नोकिया मदर कंपनी एचएमटी ग्लोबल ने फिर से अनाउंस किया है आईफा 2019 में नोकिया का एक नया फीचर फोन के बारे में, नोकिया 110 2019। आपको ये याद ही होगा 2012 में 110 लॉन्च हुआ था, ये एक नया वाला फीचर फोन है जो नए नाम से आया है, नोकिया 110 2019। चलिए जान लेते हैं इस नोकिया 110 2019 का फुल स्पेसिफिकेशन, की फीचर्स, कब तक ये लॉन्च होगा, लॉन्च डेट के बारे में और जो की फीचर्स हैं, स्पेक्स क्या है, ये सारे इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। तो अगर इस वीडियो में आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो का अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, हाय दोस्तों, आप है चैनल सेक्टर 55 में, मैं रशीद। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सा देखते हैं, इंटरेस्टिंग सा सीखते हैं। नोकिया 110 2019 ये एक ऐसा फीचर फोन है जहां आपको कुछ अपडेटेड ऑप्शन दिया जाता है 2012 के मुकाबले। तो चलिए जान लेते हैं वो सारे की स्पेसिफिकेशन। जैसे कि यहां डिस्प्ले में आपको दिया जाता है क्यू विजियो डिस्प्ले जिसका साइज है 1.77 इंचेस। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो नोकिया का एक पर्टिकुलर सीरीज सॉफ्टवेयर है सीरीज 30 प्लस, यहाँ उस सीरीज 30 प्लस सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है। अभी इन 2019 में नोकिया जितने सारे फीचर फोन को लॉन्च कर रहा है वहाँ काईओएस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आपको नोकिया सीरीज 30 प्लस सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। इस फीचर फोन के रैम की अगर बात करें तो आपको 4 MB का रैम मिल जाता है। स्टोरेज ऑप्शन में भी आपको 4 MB का स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन एक पॉजिटिव सी चीज है दोस्तों, माइक्रो SD कार्ड से आप इसको 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। वेट की अगर बात करें तो इसका वेट 75 ग्राम। अगर सिम सपोर्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें आप मिनी सिम को यूज कर सकते हैं, सिंगल या डबल इसके बारे में कंफ्यूजन है, अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। लेकिन एक पॉजिटिव सी चीज है, इंडिया के लिए ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। क्यों दोस्तों? यहां आपको 4G सपोर्टेबिलिटी मिल जाता है, जिसके साथ आप इंडियन बैंड 40 जो वोल्ट की सपोर्टेबिलिटी है वो भी आपको मिलने वाला है। इस फीचर फोन की कैमरे की अगर बात करें तो आपको QVGA एक बेसिक सा कैमरा दिया जाता है रियर साइड में, जिसमें आपको LED सपोर्टेबिलिटी मिलता है, मतलब आप फ्लैश ऑन करके कैमरे को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ आपको रेडियो मिल जाता है, एक फीचर फोन का ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ आप रेडियो को सुन सकते हैं हेडफोन लगा के। अगर कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको ये 3 वेरिएंट में मिलने वाला है, ओशन ब्लू, पिंक एंड ब्लैक। यहाँ नोकिया का एक मेन IP होता है, आप ये जानते ही होंगे, हर मोबाइल में कुछ ऐसे गेम होता है जो बहुत ही हैंडी होता है, खेलने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो वही स्नेक वाला गेम आपको यहाँ मिल रहा है। और एक नया गेम है निंजा जंप, इसको भी आप इस मोबाइल में देख सकते हैं। बैटरी सपोर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो आपको 800 mAh बैटरी मिल जाता है, जो आप कॉलिंग पीरियड में 14 आवर्स तक इसमें बात कर सकते हैं, और 19 डेज आपको ये स्टैंड बाय ऑप्शन देता है। और कुछ कनेक्टिविटी ऑप्शन ऐसे हैं जो अप टू डेट है, जैसे कि माइक्रो USB आपको यहाँ दिया गया है, 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है, तो इसको आप दबा के यूज़ कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे माइक्रो USB और 3.5 mm जैक किस लिए यूज़ किया जाता है। तो बकबक बहुत हो चुका है, इसका प्राइस कितना है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है इंडिया के लिए? तो ये आईफा 2019 में जिस प्राइस में लॉन्च हुआ है वहाँ यूरो प्राइस दिया गया है, 20 यूरो में ये आपको मिल रहा है, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1400, मतलब 1400 रुपये में ये आपको इंडिया में मिल जाएगा। कब तक ये मिलेगा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ 2019 के सितंबर, मतलब दोस्तों यही महीने में ही आपके हाथ में ये मोबाइल लग सकता है। तो आप वेट करें, जब इसका डेट मुझे पता चल जाएगा, इस सितंबर में ही आपको मिल जाएगा, तो डेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप दोस्तों नोकिया फीचर फोन 110 2019 के बारे में आपको फुल डिटेल, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। अगर यूजफुल और वैल्यूएबल लगे वीडियो तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इसको जरूर शेयर करें। यहीं तक था दोस्तों इस वीडियो में, चलिए और कोई दिन और कोई वीडियो के साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेशन लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगा। चलिए बाय।